जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। एक बार के सामने मौत, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के घोसी के अंदर होने वाले उपचुनाव के दौरान जबरदस्त सियासत जारी है। बताएंगे बीजेपी नेता पर स्याही फेंके जाने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बीजेपी के नेता ने जानबूझकर फेंकवाई है अपने ऊपर स्याही। बताएंगे बीजेपी का फंस रहा है चुनाव, इसके कारण ही ऐसा किया गया है। दोस्तों इस पर कई सारे और भी बड़े खुलासे हुए, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर मुंबई के अंदर इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक के अंदर आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, हो गया है स्पष्ट ऐलान, नहीं है आपस में कोई मन। आप बताएंगे किस तरीके की अपडेट है। दोस्तों वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने पहले भी की थी कोशिश, इस बार भी रहेंगे नाकाम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता पीएल पुनिया की ओर से बड़ा बयान दिया गया है कि प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा। साथ साथ दोस्तों लालू यादव के वकील ने सीबीआई के खिलाफ कोर्ट के अंदर अपना जवाब दिया है। बताएंगे कोर्ट को क्या कहा है लालू यादव ने। और भाजपा के नेता ने 50% कमीशन का किया है उजागर। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे शिवराज सरकार अपने ही नेताओं के निशाने पर है। सासा दोस्तों मंत्री पर बेतुका आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता को कानूनी कार्रवाई की धमकी मिली है। बताएंगे कौन है ये बीजेपी नेता और किस तरीके का आरोप विपक्ष के ऊपर लगा रहे थे। साथ साथ बिहार के अंदर एक पार्क का बदला गया नाम, तो इस पर जोरदार तरीके का बवाल जारी है। साथ साथ पहली बार नाम लेकर शरद पवार ने अजीत पवार को जमकर अपने निशाने पर लिया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मीडिया के अंदर जानबूझकर इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जबरदस्त सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। प्रचार के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंके जाने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। अब युवक ने एक नाटकीय अंदाज में आत्मसमर्पण किया है। सोमवार की सुबह 2:45 इस युवक ने पैदल चलकर मऊ के कोपागंज थाने कर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान आरोपी ने कैमरे के सामने बीजेपी नेता की चाल बताया है। आप बता दें कि बीजेपी नेता प्रिंस यादव है। आरोपी ने कहा है कि बीजेपी नेता ने ही स्याही फेंकने के लिए कहा था और कहा था कि हम लोगों का चुनाव फंस रहा है, इसी वजह से मैंने स्याही फेंक दी। उन लोगों ने कहा कि तुमको बचा लेंगे। स्याही फेंकने के प्रकरण में मैं अकेला ही था। कुल मिलाकर दोस्तों ये बयान स्याही फेंकने वाले की ओर से दिया गया है, जो साफ तौर पर ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता अपना चुनाव के कारण इस तरीके की ड्रामेबाजी कर रहा है। अगर आप भी स्याही फेंकने वाले के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब घोसी में स्याही फेंकने वाला खुद ही बता रहा है कि ये काम उससे भाजपाइयों ने ही करवाया है, तो फिर अब आगे और क्या कहना। अभी आगे देखिए हार का डर भाजपा से क्या क्या ना कराए। घोसी की जनता समाजवादी पार्टी की साइकिल को ही चुनेगी। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी की ओर से एक ओबीसी सम्मेलन किया गया था, इसमें राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मौजूद थे। यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। दोस्तों जूता फेंक कर मारने की कोशिश की गई। युवक वकील के वेश में आया था। स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बचे, उन्हें जूता दूर दूर तक नहीं लगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही इसे पकड़ा गया दोस्तों, इसकी जमकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने धुलाई की है। आपको बता दें कि जमकर पीटे जाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी की ओर से ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऐसे में दोस्तों हमला करने वाले व्यक्ति का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है, वह पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, इस पर विरोध जताते हुए कहा कि उन्होंने रामायण को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, इसके लिए ही हमला करने का प्रयास किया गया है। हालांकि दोस्तों ये तो बहाने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता पर अटैक करने का यह मामला काफी गंभीर है। आप लोगों की इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मीडिया में तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। सुबह शाम केवल एक ही बातें कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच में 36 का आंकड़ा है, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल होने जा रहे हैं। मुंबई की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच में आपस में कुछ असहमतियां हैं, लेकिन आपस में फूट नहीं है, इसी को लेकर अब स्पष्टीकरण सामने आया है। आम आदमी पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन लॉन्च करते हुए राज्य में सरकार बनाने का दावा किया। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल प्रयास कर चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बार भी राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। कुल मिलाकर दोस्तों मध्य प्रदेश भी अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी पर नहीं साधा, वो केवल मामा शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर ले रहे थे, जो स्पष्ट तौर पर ये जानकारी देता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में बातचीत चल रही है, कोई आपस में कलेश नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपना विस्तार करना चाहते हैं, तो उन राज्यों के अंदर अपनी पार्टी को
बढ़ाना चाहते हैं जहां पर उनकी उपस्थिति नहीं है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह अरविंद केजरीवाल रैलियां कर रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर बीजेपी ने टिकट का ऐलान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुलकर आपसी कलेश सामने आने लगा है। दोस्तों बीजेपी के नेता सुभाष शर्मा डोली ने शक्ति प्रदर्शन करके अपना राजनीतिक दबदबा दिखाने की कोशिश की है। यहां से बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह गहरवार को टिकट दिया है, वह 2013 व 2018 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। माना जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह को मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि नेताओं से अच्छे संबंध के आधार पर टिकट दिया गया है। इसी का विरोध बीजेपी के ही अपने नेता शक्ति प्रदर्शन के साथ कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता पीएल पुनिया ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तय होगा। उन्होंने कह दिया है कि 2024 में जो सांसद जीत कर आएंगे वो एक साथ बैठेंगे, मिलकर फैसला लेंगे कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है। जो चुने हुए सांसद होंगे उन्हीं का ये निर्णय होगा, जो भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही किसी नेता का नाम ऐलान कर दे, जिस पार्टी के जितने सांसद जीत कर आएंगे उसके हिसाब से आपस में बातचीत करके मामला सॉल्व कर लिया जाएगा। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन भ्रम फैलाने के लिए आपस में लड़वाने के लिए इस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि उस राजनीतिक पार्टी के नेता ने अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया है तो दूसरे ने इसका विरोध किया, इस तरीके की खबरें फैलाई जाती है। साथ साथ दोस्तों सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कहा था, और अब लालू यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया है। लालू यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि ये सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों के आधार पर दी गई जमानत है, इसे रद्द करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी सजा को निलंबित करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकी कि सीबीआई इसे लेकर असंतुष्ट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लालू यादव को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही है। अपने जवाब में लालू यादव ने खराब सेहत और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों के आधार पर है। कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले लालू यादव को फिर से जेल भेजने के लिए जो सीबीआई लग गया है इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, और अब जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के जवाब को मानेगा या फिर लालू यादव की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं उसको माना जाएगा और सीबीआई की याचिका को रद्द किया जाएगा। जो भी अपडेट आएगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ तमिलनाडु के अंदर सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्य के अंदर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट परीक्षा को लेकर कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एआईएडीएमके के महासचिव पलानी स्वामी ने कहा कि नीट तात्कालिक यूपीए सरकार लेकर आई थी, एनडीए गठबंधन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर 2024 के चुनाव में नीट परीक्षा एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। आपको बता दें कि नीट मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार का कहना यह है, केंद्र सरकार को सारे मेडिकल कॉलेज को नीट के आधार पर नहीं भरना चाहिए, नीट के नंबर पर नहीं भरना चाहिए, बल्कि राज्य सरकारों को अपना टेस्ट कराने की इजाजत मिलनी चाहिए जैसा कि पहले होता था, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और कई सारे मेडिकल कॉलेज है, लेकिन नीट परीक्षा के मार्क के आधार पर जो एडमिशन मिल रहे हैं उसके कारण तमिलनाडु के बच्चों को तमिलनाडु में ही कॉलेज मिलने में काफी मुश्किलें आ रही है। यही बड़ा कारण है कि राज्य सरकार की ओर से नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के नेता ने ही मध्य प्रदेश के अंदर 50% कमीशन को उजागर किया है। निवाड़ी के बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को निवाड़ी विधायक अनिल जैन के 50% कमीशन करने को लेकर पत्र लिखा है। शिवराज कमीशन 50% कमीशन कांग्रेस पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है। दोस्तों इससे पहले कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से लेटर लिखा गया था, बाद में प्रियंका गांधी ने भी 50% कमीशन वाली सरकार कहकर संबोधित किया तो बीजेपी के लोग भड़क गए, FIR करवा दी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और एग्रेसिव हुई और बीजेपी के एक और नेता को फोन पर ये बोलते सुना गया कि अधिकारी करप्शन तो करे लेकिन थोड़ा कम करे, जो स्पष्ट तौर पर जानकारी देता है कि नेता भी मानते हैं कि अधिकारी करप्शन कर रहे हैं, थोड़ा कम करप्शन करने की राय देते हुए दिखाई दिए हैं। साथ साथ दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर सनी देओल के बंगले की नीलामी नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल, पूछा टेक्निकल रीजन को किसने ट्रिगर किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि रविवार दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीजेपी के सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई नीलामी के लिए रखा है क्योंकि उन्होंने बैंक का 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाया है। सोमवार को सुबह 24 घंटे से भी कम समय में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों यानी टेक्निकल रीजन से नीलामी नोटिस को वापस ले लिया है। आश्चर्य की बात यह है कि तकनीकी कारणों को किसने ट्रिगर किया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से यह सवाल पूछा गया है जिसका जवाब अभी तक बैंक की ओर से नहीं दिया गया है। दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसके कहने पर ये नीलामी का
का नोटिस सामने आया था और किसके कहने पर वापस लिया गया है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, क्योंकि बीजेपी के सांसद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। साथ दोस्तों बीजेपी के नेता हरीश खुराना की ओर से दिल्ली को लेकर दावा किया गया कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने अपने मंत्रालय में ओएसडी के पद पर एक रेपिस्ट को नियुक्त किया है। ये दावा बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने किया है, जिसका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के मीडिया सलाहकार ने कहा कि झूठों के सरदार हरीश खुराना, ये कभी भी आतिशी मैडम का ओएसडी नहीं था, या तो झूठ बोलना बंद करो या माफी मांगो या लीगल एक्शन के लिए तैयार रहो, यानी कानूनी नोटिस थमाने की धमकी दी गई है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अजीत पवार को लेकर कन्हैया कुमार बोले, कहा जब से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से ईडी नींद की गोली खाकर सो गई है, यानी जो ईडी अभी महाराष्ट्र के अंदर जहां तहां दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए हैं एकदम ईडी ने आंख बंद कर ली है, वो सो गई है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव से नफरत करते करते ओम प्रकाश राजभर पूरे समाज को ही अभद्र टिप्पणी से नवाजने लगे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ने विवादित बयान दिया है, वो कहने लगे कि अहीर को बुद्धि 12 बजे आती है। इस तरीके के विवादित बयान पर मीडिया वाले ने भी रोका है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बयान को कंप्लीट करते हुए कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि वो अखिलेश यादव से कितना नफरत करते हैं, और नफरत इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो अखिलेश यादव से जुड़े समाज को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों बिहार को लेकर दावा सामने आया है कि आरजेडी और जेडीयू में टिकट का बंटवारा होने वाला है, 15-15 सीटें दोनों पार्टियों को मिलेगी और बाकी की 10 सीटों में लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलने वाली है। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जुड़े दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आपको अपने चैनल जय हिंद।